बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेहतरीन अकाउंट है एक, और इस अकाउंट के फीचर्स, इसकी बेनिफिट्स, इसका फाइलर बनने का प्रोसेस, इसकी वन टू ऑल हर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइटल से आपको शो हो रहा होगा कि अकाउंट का क्या नाम है, UBL गुड सिटीज़न अकाउंट। लेकिन दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा टिल एंड देखेंगे तो आपको मेरी मेहनत का अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर स्टार्ट में या कुछ मिनट्स की ये मूवी देख के अगर आपने इग्नोर कर दिया तो इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, जो इसका पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से, आप लोगों से, आप व्यूअर्स से कि प्लीज़ इसको एंड तक देखें। खैर, टाइम मैनेज करें, क्योंकि मैं आपको इस अकाउंट में बे इंतहा फ़ायदे हैं जो बैंक ने ऑफ़र किया और वो वन बाई वन समझाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा देख के इग्नोर मत कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि टाइटल से ही शोर है UBL गुड सिटीज़न अकाउंट। ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन। वन ऑफ की रोल्स ऑफ एवरी सिटीजन पे टैक्सेस रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ये वही है कि जैसे कि आप पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है ना टैक्स की अदायगी बाकायदगी से करें, और ताकि जो है ना हम अपना टैक्स पेयर बन जाए और अपने फाइलर होने में आसानी हो। UBL इज़ ऑफरिंग अ यूनिक न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट। UBL एक नया प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, UBL गुड सिटीजन अकाउंट एंड एक्टिव टैक्स पेयर। यू कैन अवेल मल्टीपल बेनिफिट्स बीइंग ऑफर्ड बाय आवर स्टेट विद दिस प्रोडक्ट। यू कैन अवेल सेवरल एडिशनल बेनिफिट्स एट रिन्यूअल फ्रॉम UBL। तो इस अकाउंट को ओपन करने से आप बेइंतहा फ़ायदों के मज़े ले सकते हैं, जिसमें से टैक्स फाइलर होना, और UBL उसमें अपने जो है ना बैंकिंग ब्रांच बैंकिंग के हवाले से भी बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं। UBL गुड सिटीज़न बेनिफिट ऑफर्ड बाय द स्टेट, कि गवर्नमेंट आपको क्या फ़ायदे देती है अगर आप टैक्स फाइलर बन जाए तो। लोअर टैक्स रेट्स ऑन एड सोर्स डिडक्शन ऑन प्रॉफिट्स एंड कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल और पे भी आपका टैक्स ख़त्म हो जाएगा। अगर जो आप सेविंग अकाउंट प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें से आपको अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उस पर भी आपकी जो है ना टैक्सेस कम हो जाएंगे। लोअर टैक्स रेट्स ऑन बाइंग सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की लेन देन में, मोटर गाड़ी मोटरसाइकिल परचेज करने में फाइलर पर जो फाइलर होल्डर है उसको बे इंतहा फ़ायदे हैं। जहाँ पर मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हैं और आपके ऊपर टैक्सेस की मद में 30,000 आ रहा है तो फाइलर प्रोसेस में आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फाइलर हैं और आप पे प्रॉपर्टी की लेन देन में 30,000 टैक्स पड़ रहा है तो आप 15,000 पे करेंगे। मोटर व्हीकल्स की अगर 6,000 से 8,000 आ रही है रजिस्ट्रेशन फीस तो आप 4,000 पे करेंगे। बिल्कुल हाफ आप पे टैक्सेस आ जाएंगे एंड मच मोर अंडर टैक्स लॉस। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय UBL। अब UBL आपको इस अकाउंट से क्या फ़ायदे देता है, वो ये है, टैक्स फैसिलिटेशन विद हाईली प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट बी फाइलर। के बी फाइलर के थ्रू बैंक आपको फाइलर करेगा। बी फाइलर एक कंपनी है, एक इदारा है जिसके साथ UBL का एक एग्रीमेंट हुआ है और वो उसमें काफ़ी हाई कंसल्टेंट, हाई क्वालिफाइड जो है ना ऑफिशियल बैठे हैं जो आपको फाइलर बनने में सहूलियात मुहैया करेंगे। फ्री जनरल बैंकिंग चार्जेस एंड फीस, आपको कोई चार्जेस कोई फीस नहीं पड़ेगी अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो। फ्री डेबिट कार्ड आपको इशू होगा। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और एक्सीडेंटल की सूरत में आपको जो है ना बैंक इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस की ऑफ़र देता है, और इसमें आपको काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट इन केस खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप एक्सीडेंट की सूरत में हो जाता तो काफ़ी आपको अच्छी हैंडसम अमाउंट बैंक पे करेगा। एडिशनल बेनिफिट्स इफ द कस्टमर मेंटेन्स ₹5 लाख मंथली एवरेज बैलेंस, कि अगर एक कस्टमर है और अपने अकाउंट गुड सिटीजन में 5 लाख रुपये मेंटेन रखता है तो उसमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फवायद जो है ना जो UBL ऑफर करता है। ऑटो लोन और होम लोन और स्मॉल बिजनेस लोन एट अ करंट इफेक्टिव रेट ऑफ 9.75 पर एनम। अगर आप UBL से कोई लोन लेते हैं, गाड़ी का लोन है या घर के लिए कोई लोन लेते हैं या स्मॉल बिजनेस अपने छोटे कारोबार को चलान करने के लिए आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो आपके ऊपर 9.75% इंटरेस्ट लागू होगा। यानी कि प्रॉफिट रेट बैंक आपसे 9.75 लेगा। अगर UBL गुड सिटीज़न अकाउंट है और आप फाइलर हैं तो,
मेरे दोस्तों ये बहुत प्लस पॉइंट है इसका, क्योंकि अगर वैसे अगर इस अकाउंट होल्डर आप गुड सिटीजन के नहीं हैं और किसी और अकाउंट के थ्रू आप UBL से गाड़ी अप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर 11.48% प्लस 2.30% इंश्योरेंस, तो टोटल मिला के 13.50 आपके ऊपर लागू होती है। अगर आप गुड सिटीजन अकाउंट होल्डर हैं तो 9.75% पे आपको गाड़ी लोन, घर के लिए लोन और कारोबार के लिए लोन बैंक ऑफर करता है। फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ इंक्लूडिंग COVID-19 एंड हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट्स। आपको लाइफ इंश्योरेंस की भी ऑफर करता है इसमें, और आपको एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में खा वो कोविड से क्यों ना मुतासर हुआ हो बंदा, आजकल जैसे एक वबा चल रही है और अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा जो है ना कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो उस सूरत में भी बैंक आपको इस अकाउंट के थ्रू इंश्योरेंस ऑफ़र कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा मसला पेश आया और आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो उस सूरत में भी बैंक आपको हॉस्पिटल के भी फ़ायदे देगा। वो क्या है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फ्री ATM कैश विड्रॉल फ्राम एनी बैंक एनी वेयर इन पाकिस्तान। फ्री ATM से विड्रॉ करेंगे किसी भी बैंक से, जैसे कि पिछली एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि UBL के ATM कार्ड होल्डर है आप और किसी दूसरे बैंक की ATM से आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 15 रुपीज़ चार्जेस कटते थे। अगर आप UBL गुड सिटीज़न अकाउंट होल्डर हैं और फाइलर हैं तो आपके ऊपर वो 15 रुपीज़ टैक्स भी एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। फ्री फंड्स ट्रांसफर टू एनी बैंक एनी वेयर इन पाकिस्तान वाया UBL डिजिटल ऐप इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM। इसके थ्रू आप फ्री अपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल ऐप के थ्रू या ATM के थ्रू किसी भी दूसरे अकाउंट में, कोई चार्जेस आपके नहीं आएंगे। माई डेयर मैं आपको बताता चलूं कि UBL डिजिटल ऐप के लिए बाकायदा मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आगे जाकर आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। बाकायदा एक टॉपिक है डिजिटल ऐप का। UBL गुड सिटीजन अकाउंट विल बी ओपन थ्रू एग्जिस्टिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर थ्रू ब्रांचेस। जैसे आप पहले अकाउंट प्रोसेस कराते रहे उसी प्रोसेस के जरिए ये अकाउंट भी ओपन होगा। About B filer, an independent tax advisory firm has associated itself with UBL in order to render their professional services. It comprises of specialized teams with diverse experience to assist UBL good citizen account customer with professional tax advisory and filing of tax return at a discounted rate of rupees 2500. तो ये अबाउट बी फाइलर, बी फाइलर एक बहुत बड़ी फर्म है जिसके साथ UBL का एग्रीमेंट हुआ है कि हमारे कस्टमर जो कि UBL गुड सिटीजन होल्डर होंगे आप उनको फाइलर करना है, UBL के बिहाफ पे वो फाइलर करेंगे आपको, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 400 प्लस टैक्स फाइलिंग रुपीज़ 1800, टोटल मिला के 2200 रुपये। बहुत ज़बरदस्त ऑफर है मेरे दोस्तों के, 2200 रुपये में आप फाइलर बन जाएंगे और टोटल मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर आप फाइलर बन जाएंगे, सिर्फ 2200 रुपये UBL में डिपॉजिट कराने हैं आपको। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये इसका। टैक्स फैसिलिटेशन ब्रांच प्रोसेस, कस्टमर विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड टैक्स फैसिलिटेशन रजिस्ट्रेशन फिलिंग फीचर। ये वो प्रोसेस है कि जब आप फाइलर होने के लिए आप बैंक से रब्ता करेंगे तो बैंक को आपने ये अपना डेटा प्रोवाइड करना है। ब्रांच विल चेक द कस्टमर टैक्स फाइलर स्टेटस फ्राम ATL लिस्ट। ATL का मतलब है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जो कि ब्रांच आपके बैंक में हर वीकेंड हर मंडे के मंडे अपडेट होती रहती है, तो ब्रांच आपका स्टेटस ATL लिस्ट में चेक करेगी। इफ़ ए कस्टमर इज़ अ नॉन फाइलर एंड ऑप्ट्स टू अवेल टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, ब्रांच विल प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड टैक्स फॉर्म टू कस्टमर फॉर टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ब्रांच आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगी बी फाइलर के नाम से, उसमें आपने अपना सारा जो है ना डेटा फीड करना है और ब्रांच के किसी ऑफिसर के हवाले कर देना है। द कस्टमर विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स इन द फील्ड रिक्वायर्ड फॉर ATL रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फाइलिंग। और कस्टमर को चाहिए कि वो अपने सारे के सारा डेटा उनको प्रोवाइड करे NTN नेशनल टैक्सेशन नंबर इशूइंग के लिए। आफ्टर द कस्टमर हैज़ फिल्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ब्रांच विल स्कैन द कॉपी ऑफ द टैक्स फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप एंड विल सेंड बी टू बी फाइलर। जब कस्टमर का सारा डेटा फॉर्म में फिल हो गया और जो आपने 2200 रुपये जमा कराए हैं उसकी डिपॉजिट स्लिप आप ब्रांच के किसी ऑफिसर के हवाले करेंगे, वो उसको स्कैन कापी करके और जो है ना डिपॉजिट स्लिप के साथ अटैच करके बी फाइलर को ई मेल कर देगा। बी फाइलर विल कंटेक्ट द कस्टमर थ्रू अ कॉल बैक, बी फाइलर का कोई भी नुमाइंदा आपको कॉल बैक करेगा और आपसे रब्ता करेगा। फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग बेनिफिट्स TAT 2 working days, टर्न अराउंड टाइम 2 दिन है, यानी कि बी फाइलर का नुमाइंदा आपसे मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपसे रब्ता करके आपका सारा डेटा कलेक्ट करके आपसे वेरीफिकेशन ले के जो प्रोसेस है वो करके जो 3rd दिन आएगा आप उस दिन फाइलर होंगे। डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई,
ऑटो होम समॉल बिजनेस लोन रेट्स आर सब्जेक्ट टू मनी मार्केट मूवमेंट्स रेट्स में चेंज इन फ्यूचर, यानी कि जो अभी 9.75% बैंक आपको ऑफर कर रहा है तो अगर फ्यूचर में इसके ऊपर कोई शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी चेंजेस आए तो उसमें रद्द बदल हो सकता है, लेकिन टिल टाइम अभी यही ऑफर है। द डिस्काउंट ऑन लोन्स एटीएम ऑफ अस ट्रांजैक्शन एंड फंड्स ट्रांसफर टू एनी बैंक इन पाकिस्तान बाय ऐप एटीएम नेट बैंकिंग विल बी गिवन इन द फॉर्म कैश रिफंड पेड इन कस्टमर अकाउंट विद इन वीक और नेक्स्ट मंथ। तो ये वही बात है जो मैंने आपको समझा दी है, कस्टमर्स कैन अवेल कैश बैक अगेंस्ट वन लोन ओनली विद द लोएस्ट इंस्टॉलमेंट अवेलेबल इन द प्रोडक्ट कैटलॉग, हाउएवर इफ द कस्टमर लॉक्स 500K देन ही शी अवेल ऑटो लोन एट प्राइम। वही बात आ गई कि 500,000 रुपये मेंटेन करेंगे तो 9.75% पे बैंक आपको ऑटो लोन ऑफर करता है। द बैंक शुड नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्शन और लैक देयरफॉर ऑन द पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी बी फाइलर। The customer hereby indemnifies and holds harmless the bank's account any loan liability or damages arising। तो ये वही बात आ गई दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर सारी बता दी है कि आप इन केस अगर कोई रॉन्ग गलत कॉल वसूल होती है और आपसे वो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वो अपनी शेयर इंफॉर्मेशन अकाउंट की डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो बैंक इसमें ऑफर कर रहा है वो ये है कि बेनिफिट डेथ बेनिफिट एंड हॉस्पिटलाइजेशन अ फिक्स्ड अमाउंट विल बी पेड टू द बेनिफिशियरी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर आइदर नेचुरल डेथ और बाय एक्सीडेंट, द बेनिफिट डबल्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। कि आपको एक फिक्स किस्म की अमाउंट आपको बैंक ऑफर करेगा खुदा न खास्ता अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, खा वो नेचुरली है या खुदा न खास्ता किसी वाकये में हो जाती है या एक्सीडेंट की सूरत में, और जो एक्सीडेंटल डेथ है उसमें आपको बैंक डबल ऑफर करता है, जो एक अमाउंट है वो डबल मिलेगी। दिस प्लान आल्सो प्रोवाइड्स हॉस्पिटल कैश बेनिफिट विच प्रोवाइड्स डेली कैश टू द अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इन केस अकाउंट होल्डर गेट्स एडमिटेड इन टू द आई सी यू द बेनिफिट डबल। ये प्लान आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, खुदा न खासा अकाउंट होल्डर अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो बैंक अगर वो ICU तक शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में भी जो एक अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। बेनिफिट अमाउंट नेचुरल डेथ बेनिफिट 5 लाख, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 10 लाख, हॉस्पिटलाइजेशन डेली लिमिट 5,000, ICU एडमिशन डेली लिमिट 10,000 रुपये। वही बात आ गई दोस्तों, वो इज़ कवर्ड कि कौन ये बेनिफिट अवेल कर सकता है। द इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल फाइलर कस्टमर्स हुज लास्ट मंथ एवरेज बैलेंस इज इक्वल टू 5 लाख। बात वही है कि 5 लाख का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा इस अकाउंट में, तब जाके आप ये सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। कवर चार्जेस कम्प्लीमेंट्री कवर, वही है कि इसमें जो है ना वही 5 लाख बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। एप्लीकेबल एजेस एंड बेसिक टर्म्स, इनरोलमेंट एज 18 to 65 years, कवर एज 18 to 65 years एंड 1 month टर्म मंथली। क्लेम्स नोटिस ऑफ क्लेम मस्ट बी गिवन टू यू लाइफ बाई UBL बेनिफिशियरी नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम। कि आपका खुदा न खासा अगर कोई डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ हो गई है और आप क्लेम करना चाह रहे हैं अमाउंट, तो 90 days से ज़्यादा आपने अपना ये क्लेम लेट नहीं करना। क्लेम फॉर्म विल बी अवेलेबल विद UBL विच कैन बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ क्लेम टू द बेनिफिशियरी। ये फॉर्म जो है ना बैंक में अवेलेबल है, जो आपने सारा फिल करके ब्रांच को देना है। ब्रांच विल गाइड द बेनिफिशियरी अबाउट द क्लेम फॉर्म फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ डायरेक्टेड यू लाइव थ्रू ईमेल पोस्ट व्हाट्सएप। ब्रांच आपको गाइड करेगी ये फॉर्म आपने किस तरह सबमिट कराना है और ई एफ यू को करना है। ई एफ यू एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ UBL का एग्रीमेंट है। ई एफ यू लाइव विल मैनेज द कस्टमर क्लेम एंड गाइड हिम अकॉर्डिंगली। ई एफ यू का नुमाइंदा आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेगा और आपके केस को फॉलो अप देगा। The same will be paid to beneficiary of the insured covered member directly to EFU Life. If required, any confirmation of nominee legal heirs by the UBL branch can be collected by EFU from the UBL. In case अगर EFU को कोई भी documents या कोई nominee या कोई भी formalities required है तो वो UBL के through आपसे contact करके आपसे जो आपका nominee होगा या जो आपका नुमाइंदा होगा representative जो claim को deal कर रहा होगा तो उससे ले लेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी डिटेल वीडियो और डिटेल डेटा के साथ मैंने आपको सारा ये गुड सिटीजन अकाउंट ब्रीफ कर दिया है कि आप 3 दिन में फाइलर बन सकते हैं। 2200 रुपये की फीस है, रजिस्ट्रेशन 400 है और टैक्स फाइलिंग 1800 रुपये, और इसमें गाड़ी समॉल लोन बिजनेस लोन होम लोन आपको 9.75% पे UBL दे रहा है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों ये बेस्ट अकाउंट है, बेस्ट बैंक UBL का बेस्ट अकाउंट है।
जितनी मेरी रिसर्च है, इस तरह का बेहतरीन बेनिफिट वाला अकाउंट किसी भी बैंक ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अकाउंट को लाजमी ओपन कराएँ और इस अकाउंट के जो अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ और एडवांटेजेस हैं उससे भरपूर फ़ायदा होता है। तो एट द एंड मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर होती रहें, और इस वीडियो को फुल देखिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर सरसरी देख के इसको इग्नोर कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कितना फ़ायदेमंद अकाउंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको टिल एंड देखेंगे और लाइक भी करेंगे और इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरा चैनल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।